नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय चोरा खालसा गांव के अंदर मौजूद है करनाल के। आप देख सकते हैं तेज़ बारिश के बाद किस तरीके से जो खेत है, देख सकते हैं आप, पानी के अंदर डूबे हुए आप देख सकते हैं। और आगे शेरगढ़ टापू जहाँ पर पुल भी जो है वो डूब चुका है, उसकी तस्वीरें भी जो हैं एक तरीके से हम आपको दिखाएंगे। पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ चोरा खालसा गाँव की, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ट्रैक्टर पर काफ़ी सारे लोग हैं और दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि जो खेत हैं वो अंदर डूबे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान जो है कहीं ना कहीं फसलों का यहाँ पर ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। और तेज़ बारिश जिस तरीके से लगातार कई दिनों से चल रही है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक जो पानी है वो फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग हैं गाँव के, बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी नाम क्या है आपका? सुंदरलाल जी। तो ये बारिश बहुत ज़्यादा आ गई और काफ़ी मतलब कितने गांव जो हैं इसमें डूबे होंगे? इसमें दो तीन गांव से आ गए हैं जी। डिबकोली है, नव डिबकोल है, डिबकोली खुर्द है, बाणोखेड़ी, ठीक है। और ये आगे गांव मेरे ख्याल में मतलब इतना नुकसान हो गया ना। हाँ। फसल नहीं बची बिल्कुल भी, फसल का बहुत नुकसान हो गया। बहुत बड़ा नुकसान हो गया जी। जीरियां खेती लगी थी, इस समय बारिश की जरूरत तो थी पर इतनी ज्यादा नहीं, इतनी थोड़ी जी बारिश, इतनी जरूरत हुई। ये तो जमुना का पानी, बारिश थोड़ी है जी, ये तो जमुना का पानी है। जमुना का पानी आ गया, वो ये तो जमुना का पानी आ रहा सारा, पुल भी आ गया। ये जमुना, ये पानी जो दिख रहा ना, जमुना एक है, ये जमुना का पानी है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये जमुना का सारा पानी, जमुना का नुकसान, इतना नुकसान हो गया होगा यहाँ पर जो फसल है, करोड़ों का, अरबों में बजवा जा रही, सारे काम हो अरबों में चली गई। करोड़ों का तुम्हारे गांव में है क्या? कितने गांव लगते हैं इस इलाके को? इस इलाके में तो दूर तुरी को गांव ही गांव है जी। तो ये पानी कहाँ कहाँ तक गया है? ये पानी तो जी यूपी लेके बॉर्डर भी है, परा पठड़ी और ये पठड़ी, एक यूपी बॉर्डर से सारा पानी यहाँ पे आया। हाँ जी, परली पठड़ी का, पठड़ी का एक हो गया, परली पठड़ी कितने घंटे से छोड़ा गया पानी इस तरह से? हाँ जी, ये जमुना का पानी है जी, परली पठड़ी का एक पानी हो रहा। इनका तो जी बस के पूछा, जिम्मेदारों का तो नाश हो गया। यहाँ बता दें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, और किस तरीके से जो नुकसान आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ दूर दूर तक आपको जूम करके दिखाएं तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक जो दूर दूर तक जो पानी है वो भर चुका है। और यूपी बॉर्डर से ही सारा का सारा जमुना का पानी इस तरीके से यहाँ पर आ गया है, और नुकसान आप देख सकते हैं। जी जी, यहाँ ले ले। ये आपकी आपकी भी ज़मीन है यहाँ पे? हाँ जी। आपके भी पानी आ गया उसमें अंदर ही आप पानी में जी? आप कौन से गांव से? चोरा खाल से। चोरा खाल से? हाँ जी, 10-15 किले मर गए। एक पुल भी है शायद, पुल है आगे, पुल भी डूब रहा है, एक छोटा पुल है, एक बड़ा टापू पड़ता है, शेरगढ़ टापे में एक छोटा पुल है वो डूब रहा है, पूरा डूब गया, पूरा आवाजाही बंद हो गई, आना जाना बंद है। उसका रास्ता यूपी की तरफ, यूपी के वो रास्ता जी हरियाणा का, यूपी के बॉर्डर के बीच में है वो। गाँव चोरे ही है, गाँव चोरे में थोड़ी ही दूरी है, पानी और आ जाएगा तो चोरे में आ जाएगा। नुकसान बहुत हो गया इस बार? नुकसान तो जी 10-15 किले तो अपने मर गए, 15 किले आप ही के खराब हो गए, अंकल के मारे कट्टे आ जी आपके। और मोटर, वैसे मोटर में ही रहेगी तो करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई। कुछ चोर आवा, चोर मोटर तार ले जा, और जो बचा कुछ तार ले जा ऊपर का। तो आप समझ सकते हैं नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। हालांकि अभी आगे की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। शेरगढ़ टापू जो गांव है वहीं का ही एक जो पुल है वो भी डूब चुका है। तो फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि जो किसान है वो किस तरीके से परेशान है, हताश है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मौसम के आगे किसी की चलती नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, हद से ज़्यादा हो गई, जिसके बाद जो नहरें हैं उनमें भी पानी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे की जो है स्तर तक पहुंच चुका है। और इस समय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम चोरा खालसा गांव करनाल के नज़दीक ही। तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए